watching cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am, burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and bullets screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. तो गाइस ये है हमारा रिजॉर्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं, हमारे कॉटेज का नाम। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये हमारा वे है, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से तरफ एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद अंदर जाएंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉल आएगी। वॉल के बाद ये हमारा एंट्री गेट है, बड़ा प्यारा सा, एकदम पूरा ग्रीन ग्रीन। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, यहाँ से हमारा पूरा एक रेड कारपेट है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा एक छोटा सा रिजॉर्ट है। अगर आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक अम्ब्रेला भी लगा हुआ है। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये आपको सामने ओपन व्यू मिलेगा एकदम माउंटेंस का, बहुत ही ज़बरदस्त वाला व्यू। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद अभी जो हमारे रूम्स हैं वो ऊपर वाला फ्लोर है हमारा पूरा। और सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, तो आपको वेलकम करने के लिए दो यहाँ पे वाइट साइकिल्स हैं जो कि डेकोरेशन के लिए लगाई गई हैं, और फूल चारों तरफ हैं यहाँ पे। चाय वगैरह अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, चाय पीनी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, एकदम बहुत बढ़िया यहाँ पर प्लेस है और जो कि चारों तरफ फूलों से सजी हुई है। ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और यार यहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को क्या लगी कि यहाँ की डेकोरेशंस, ये देखो कैसे बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया है सब कुछ। पहले यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार, तो ये है यहाँ का व्यू और यहाँ चारों तरफ ऐसे बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया गया है। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे हमारा रूम, जिस रूम में मैंने स्टे किया है वो उधर साइड में। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी दो प्यारी प्यारी सी टेबल और चेयर लगाई गई हैं जिस पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटा सा अपना प्राइवेट गार्डन, ये यहाँ पे दो रूम है, इस रूम में हमारा पूरा सामान भरा हुआ है, आप देख सकते हो रूम की क्या हालत होती है। तो इसमें अटैच बाथरूम है और आपको टीवी, बेड, पंखे वंखे सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन मौसम इतना अच्छा होता है कि आपको यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं है। और बात करें यहाँ से दूसरे रूम की तरफ, तो उसका एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से दूसरे रूम की तरफ जा सकते हैं। और अभी ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर हमने पूरा लिया हुआ है, और मैं आपको बताऊँगा कि इट इज़ वर्थ इट और नॉट। तो गाइज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इट इज़ टोटली वर्थ इट। इफ़ यू आर कमिंग इन नैनीताल देन यू कैन स्टे हियर, एंड द प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी चीप, इट इज़ अंडर इन योर प्राइस। और ऐसा यहाँ पे कुछ स्पेशल होगा नहीं, बाकी सबसे बड़ी बात कि एंजॉय आप कर सकते हो। और पार्किंग की बात है, अगर आप अपना व्हीकल लेके आते हो तो पार्किंग आपको रिजॉर्ट की तरफ से ही मिलेगी, आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। आपको पता नहीं वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही हैं या नहीं, लेकिन हमने गाड़ियाँ वहाँ पार्क की हुई हैं, यहाँ पे अपनी प्राइवेट पार्किंग है और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सिटी से दूर है, और सिटी से दूर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे सिटी में इतनी भीड़ भाड़ होती है, यहाँ पर ऐसी कोई भीड़ भी नहीं है। और आप अपने फैमिली के साथ या फिर जिसके साथ भी आ रहे हो आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारी जगह क्या होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप एंजॉय नहीं कर पाते हो,
क्योंकि सिटी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। तो अगर आप सिटी से दूर एक तरफ एकांत में अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम हियर। Looking at my watch, it's spirit bomb, both hands is going up. We're going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing. Yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm a plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. Oh!